द लैंड ऑफ क्लाउड्स यूं ही बोलते हैं इसे। जी हाँ दोस्तों, मेघालय। अगर आप मेघालय का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज मैं मेघालय के बारे में ऐसे ऐसे जगहों के बारे में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो आप अगर अपने ट्रिप में ऐड करेंगे तो आपका ट्रिप और भी बेहतरीन बन जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेघालय जाने के लिए आपको पहले पहुंचना होगा गुवाहाटी आसाम, या तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या फिर गुवाहाटी एयरपोर्ट। क्योंकि आप गुवाहाटी पहले पहुंचेंगे तो पहला प्लेस जो सजेस्ट करूंगा मैं वो होगा कामाख्या टेम्पल। आप गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल दर्शन कीजिए, बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद आप सीधा निकल जाइए मेघालय यानी कि शिलोंग को, क्योंकि शिलोंग में आप स्टे करेंगे। गुवाहाटी से शिलोंग जो है ओनली 2.5 घंटे का रास्ता है, तो आप टेम्पल दर्शन करके आराम से शिलोंग की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों बहुत ही पुराना टेम्पल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, स्किप मत कीजिएगा इसे। अगला होगा ओमियम लेक। शिलोंग पहुंचने से पहले ही इसका दर्शन आपको मिल जाएगा। शिलोंग सिटी से 15-20 किलोमीटर पहले ही राइट साइड में पड़ता है ओमियम लेक। आप शिलोंग सिटी से भी वापस बाद में घूमने आ सकते हैं, या फिर ऑन द वे अब जा रहे हैं रास्ते में रुक के भी यहाँ पे घूम सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग भी होता है और टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी बड़ा लेक है, देखने में अच्छा लगता है, लैंडस्केप पहाड़ों के बीच में लेक, बोटिंग करने के लिए भी मज़ा लगता है, स्किप मत कीजिए इसे भी। दोस्तों अगला है लाइटलूम ग्रैंड कैनियन, ईस्ट खासी हिल्स ऑफ शिलोंग, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बहुत ही बढ़िया जगह है, बॉलीवुड लोकेशन है, बॉलीवुड के बहुत सारे मूवी भी यहाँ पे शूट हो चुका है। दिलकश नज़ारा जो बोला जाता है ना, वो वर्ड्स यहाँ पे शूट होता है। अगर बारिश के सीज़न में यानी कि जुलाई के बाद अगर यहाँ पे आप पहुँच पाए हैं तो वो जो नज़ारा होगा वो जुबान से बयां करना मुश्किल है। 25 से 30 किलोमीटर है शिलोंग सिटी से, मस्ट विजिट प्लेस है, स्किप मत कीजिए इसे। दोस्तों अगला है नोंगजरोंग विलेज। इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सनराइज जो है मैंने यहाँ पे देखा है। दुनिया भर से लोग इसके चोटी में खड़े होकर जो सनराइज का दृश्य है ना, उसको देखने के लिए आते हैं, जहाँ पे बादल नीचे होते हैं और आप बादल के ऊपर खड़े होते हैं। यही वो नज़ारा है जो इस नोंगजरोंग को मेघालय में मस्ट विजिट प्लेस बनाता है। लेकिन ये नज़ारे के लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, तो सुबह सुबह आपको सनराइज़ से पहले यहाँ पे पहुँचना होगा और खड़े होकर सनराइज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। शिलोंग सिटी में स्टे किए होंगे, हम भी किए थे, तो हम शिलोंग से 2 या 2:30 बजे निकले थे, तो यहाँ पे हम लोग सनराइज़ से पहले पहुँच गए थे। एक लोकल ड्राइवर को लेके चलिए जिसको रास्ता पता है, तो ईजीली जल्दी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों शिलोंग से 50-60 किलोमीटर के अंदर है, अगर मेघालय आए हैं ना तो ये जगह जरूर घूमिए, यकीन मानिए ये नज़ारा आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अगला है डॉकी क्रिस्टल क्लियर रिवर। डॉकी इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है ये, आप बांग्लादेश भी देख पाएंगे। एक नदी है जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में बहती है, वहाँ पे आप बोटिंग करना होता है, बोटिंग का चार्जेस रहता है 1500 बोलते हैं लोग, 1200-1300 आप कम करा सकते हैं, 800-900 तक कम कर सकते हैं। और जो रिवर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मतलब नीचे का जो पत्थर है मिट्टी है वो आपको दिखेंगी। यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, नाइट स्टे भी कर सकते हैं। लोग बहुत दूर से इस नदी के ऊपर बोटिंग का मज़ा उठाने के लिए आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, हम खुद भी बहुत एंजॉय किए हैं। फैमिली हो, कपल हो, फ्रेंड्स हो, ग्रुप हो, जो भी हो, सबके लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है ये।
आप मेघालय आए तो यहाँ डॉकी का एक ट्रिप जरूर लगाइए। दोस्तों शिलोंग से अराउंड 80 किलोमीटर है, आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो जाके एंजॉय करके वहाँ से अगेन रिटर्न आ सकते हैं शिलोंग। रोड थोड़ा ख़राब है तो जल्दी निकलेंगे सुबह सुबह तो अच्छा रहेगा। अमेजिंग प्लेस यहाँ पे जरूर आइए और इसका मेमोरी हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैद कीजिए। तो दोस्तों अगला है माउलिनंग विलेज, इसके बारे में तो जरूर जानते होंगे आप क्योंकि एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का खिताब मिला है इसको। बहुत प्यारा जगह है, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर आपको सुकून चाहिए तो यहाँ पे एक नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ अंदर बहुत सारे होम स्टे भी हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ से बांग्लादेश का व्यू भी दिखता है। अगर यहाँ पे आपको स्टे नहीं करना है तो 2-3 घंटे में पूरा एरिया घूम के आप अपने अगले स्पॉट की तरफ बढ़ सकते हैं। शिलोंग से इसका जो डिस्टेंस है वो है 80 किलोमीटर और अपना डॉकी से 30 किलोमीटर। एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इसे स्किप करना चाहिए? नो वे। दोस्तों अगला स्पॉट है लिविंग रूट ब्रिज, माय फेवरेट। इसी माउलिनंग विलेज से 15 या 20 मिनट लगता है, 5 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद वहाँ पे आपको 15 मिनट का ट्रैकिंग है, चल चल के थोड़ा जाना होगा। उसके बाद जो जगह है जहाँ पे पहुँचेंगे ना, दिल खुश हो जाएगा, एकदम हॉलीवुड स्टाइल का, हॉलीवुड मूवी का सेट लगता है। मेरे को बहुत पसंद आया ये जगह। दोस्तों शिलोंग सिटी से इसका जो डिस्टेंस है 75 किलोमीटर है और माउलिनंग विलेज से 2.5 किलोमीटर। कुदरत का बनाया हुआ एक ब्रिज है ये, मतलब सोचिए पेड़ों का जड़ से अपने आप ही बन गया ब्रिज, क्या हो सकता है। अमेजिंग प्लेस, मस्ट विजिट प्लेस है, स्किप मत कीजिए, मेघालय का ट्रिप में इसको भी ऐड करिए। दोस्तों अगला है एलिफेंट वाटरफॉल, ये आपको शिलोंग सिटी के अंदर ही मिल जाएगा। बहुत ही कूल प्लेस है, प्यारा जगह है। यहाँ पे आपको 2-3 वाटरफॉल मिलेंगे, एकदम ग्रीन ग्रीन, हरा भरा, बहुत सुंदर साउंड के साथ। दोस्तों शिलोंग के सेंटर से 10-12 किलोमीटर होगा और वहाँ पहुँचने के बाद आपको नीचे उतरना होगा सीढ़ियों से 10 मिनट का, उसके बाद मिलेगा ये सुंदर सा प्यारा सा वाटरफॉल। बहुत ही प्यारा जगह है दोस्तों, यहाँ आना मत भूलिए। दोस्तों अगला है वाट्स लेक, शिलोंग सिटी के बीचों बीच एकदम सेंटर में है ये। बहुत ही प्यारा जगह है, एक पार्क है, एक लेक है, इसके अंदर आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपने फैमिली के साथ बोटिंग करने का मजा अलग ही है, मेघालय आए हैं तो यहाँ पे भी एक बार घूम के जाइए। दोस्तों अगला है चेरापूंजी, द किंग ऑफ मेघालय। चेरापूंजी एक प्लेस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे 8-10 प्लेस को लेके ये बना हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स, बहुत सारे केव मिलेंगे आप। दोस्तों चेरापूंजी को आप एक दिन में भी घूम के निकल जा सकते हैं और 2 दिन भी इसके लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे और एक दो जगह हैं जिनको अगर आपको घूमना है तो यहाँ पे कम से कम 2 दिन रुकना ही होगा। उनमें से एक है डबल डेकर ब्रिज, जिसके लिए आपको नीचे उतरना होता है 3500 स्टेप्स, तो इसके लिए आप 1 डे रखिए। दोस्तों चेरापूंजी के कुछ प्लेसेस हैं जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो यहाँ पे आप घूम सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाया हूँ जो मेरा मेघालय सीरीज में अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में आप शिलोंग मार्केट भी थोड़ा घूमिए, पुलिस बाजार मार्केट,
यहाँ पे बढ़िया बढ़िया शॉपिंग कीजिए, अच्छे अच्छे स्ट्रीट फूड लीजिए, मेघालय का लोकल फूड भी यहाँ पे अवेलेबल है वो भी ट्राई कीजिए, और मेघालय को अपने दिल में रख के यहाँ से घर जाइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।